हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक टच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उस मेडिसिन का नाम है ट्यूबरकुलिनम बोविनम। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, या फिर ये किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है, या फिर इसे खाने के क्या क्या तरीके होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग जिस मेडिसिन यानी कि जिस दवा के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है ट्यूबरकुलिनम बोविनम। दोस्तों, इसका पावर रहेगा 200। दोस्तों, इसके बारे में यह कहा गया है कि यह औषधि यानी कि यह मेडिसिन टीबी के रोगी के फेफड़े के पीप से बनाई जाती है। रोगी लंबा दुबला पतला होता है, छाती सिकुड़ी हुई होती है और पतली होती है, कंधे झुके हुए होते हैं, रोगी हमेशा थका थका सा दिखता है। जब परिवार में टीबी रोग का इतिहास होता है और रोगों की बीमारियों में सुनिवार्चित औषधि अस्थायी रूप से आरोग्य करने में असफल हो, रोग चाहे कोई भी हो, इस औषधि को देने से लाभ होता है। यह औषधि यानी कि यह मेडिसिन कुछ त्वचा रोगों में काम आता है, जैसे कि उद्भेद, भैंसिया दाद, सोराइसिस, एक्जिमा, गांठे, खुजली, लाल चकते, पित्ती। इसके कुछ त्वचा रोग विशिष्ट लक्षण भी हैं, जैसे कि त्वचा संवेदनशील खुश्क, जीर्ण छाजन जिसमें तीव्र खुजली होती है, खुजली रात में बढ़ जाती है, भूसी जैसे छिलके, खुजली मसलने या खुजाने पर जगह बदलने वाली, खुजली ठंडी हवा में बढ़ जाती है, कपड़े उतारने पर खुजली होने लगती है, नहाने के बाद खुजली बढ़ जाती है, खुजली चूल्हे की गर्मी से कम होती है। यह औषधि यानी कि यह मेडिसिन कुछ मानसिक लक्षणों में भी काम आता है, जैसे कि गुस्सैल, जल्दबाज, असंतुष्ट, गुस्सा होने पर गालियां देता है, हाथ में आई चीज़ फेंक कर मारता है, असंतुष्ट, परिवर्तन की सैर सपाटे की चाहत, बार बार नौकरियां या व्यवसाय बदलता है, रोगी को पारिवारिक सामाजिक बंधन मान्य नहीं होता है, वह इन बंधनों को तोड़कर जीना चाहता है, रोगी को किसी तरह खुश नहीं रखा जा सकता, सुबह जागने के बाद उसका चिड़चिड़ापन बढ़ा हुआ होता है, रोगी का मिजाज यानी कि मूड घड़ी घड़ी बदलता रहता है, रोगी को सांप देने कस्में खाने की आदत होती है, जानवरों बिल्ली विशेषकर कुत्तों से डरता है। इसमें कुछ व्यापक लक्षण होते हैं, जैसे कि प्रकृति, रोगी शीत प्रकृति का होता है, मामूली सी ठंड लगने पर उसे जुकाम हो जाता है, इच्छा नमक, मीठी चीज़ें, ठंडा दूध, चर्बीदार चीज़ें, भुना हुआ मांस, आइसक्रीम, आलू, तीखी चीज़ें, अनिच्छा मांस, आंधी तूफान से पहले तकलीफें बढ़ती हैं, मौसम बदलते ही रोगी को जुकाम हो जाता है, गर्म और खुश्क मौसम में रोगी ठीक रहता है, शाम के समय तबीयत गिरी गिरी सी रहती है, सुबह के समय अतिसार यानी कि दस्त होने लगता है, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, शाम के समय रोगी का बायां पैर ठंडा हो जाता है, बीमारी अक्सर बाई तरफ से शुरू होती है, दिन में नींद आती है, रोगी एक जगह पर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। इसमें शक्ति है यानी कि पावर है 200, यानी कि 200 या 200 से ऊपर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, एक मात्रा यानी कि एक खुराक देने के बाद 1 से 2 महीने से पहले दूसरी खुराक नहीं दें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे, यानी कि आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी।
दोस्तों आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, लेकिन अगर उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और रही बात इस दवा को कैसे खाया जाए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोगों को पास जाएगा उतने लोगों को इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा और भी कई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर आऊँगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।